फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर 10 पल्स ऑक्सिमीटर जे अपन प्रत्येक वॉर्ड मध्ये एका पेशंट जवळ ठेवतो ते 29 फिटल डॉपलर जे बाळंतपणाचे अपन लहान गरोदर मातेचे लहान बाळाचे ठोके ऐकण्याकरता मशीन लागतात ते 3 बीपी ऑपरेटर्स 30 स्टेथोस्कोप 10 त्याच्यानंतर पीडियाट्रिक 10 आणि 24 एडल्ट त्याच्यानंतर व्हेंटिलेटर हे आपल्याकडे ट्रान्सपोर्ट व्हेंटिलेटर म्हणजे समजा ॲम्ब्युलन्समध्ये पेशंटला घेऊन जायचं असेल त्या प्रत्येक ॲम्ब्युलन्समध्ये व्हेंटिलेटर नसतं तर हे 2 ट्रान्सपोर्ट व्हेंटिलेटर आपल्याकडे आले आहे त्याच्यानंतर नेबुलायझर मशीन बीपी ऑपरेटर्स त्याच्यानंतर हे रिससिटेशन किट म्हणजे बाळ जर सिरियस झालं तर त्याच्याकरता जे रिससिटेशन किट लागतं ते नेबुलायझर हे 10 आलेले आहेत रिससिटेशन किट 12 आहेत त्याच्यानंतर सॅनिटायझर 3000 आलेले आहेत हँड वॉश जे आहे ते 1000 आलेले आहे वेट मशीन 2 ग्लोव्ज जे आहे एक्झामिनेशन ग्लोव्ज हे 300 आलेले आहे इंजेक्शन पॅन्ट ऑफ रिझल्ट 5000 त्याच्यानंतर लहान बाळाला जे ऑक्सिजनसाठी लागतं नेझल प्रॉम्प्ट ते 300 आलेले आहे त्याच्यानंतर निओनेटल अंबू बॅग हे जे दाखवले मी तुम्हाला हे 20 आलेले आहे पीडियाट्रिक NRM मास म्हणजे लहान बाळाला ऑक्सिजन देण्याकरता 300 त्याच्यानंतर लहान बाळाला जे आपण सलाईन देतो त्याचा जो सेट असतो बिलेट सेट ते 500 आलेले आहे त्याच्यानंतर पीडियाट्रिक लॅरिंगोस्कोप जो आहे तो 10 आलेला आहे मोठ्या माणसासाठी मास 100 सिरम कॅल्शियम आपल्याकडे 3000 आलेले आहे नेबुलायझर 5 आलेले आहे त्याच्यानंतर इंजेक्शन हिपॅरिन जे आपण कोविडमध्ये किंवा अटॅकनंतर वापरतो ते आपल्याकडे 1000 आलेले आहे इंजेक्शन ओंडेनसेट्रॉन 6000 आलेले आहे ग्लोव्ज 1700 वजन ॲडल्ट मशीन जे आहे वेईंग मशीन ते 13 आलेले आहे त्याच्यानंतर हे सलाईनचे बॉक्स जे आहे नॉर्मल सलाईन हे 5000 आलेले आहे इंजेक्शन ॲड्रिनॅलिन 1000 आलेले आहे त्याच्यानंतर पल्स ऑक्सिमीटर 10 आलेले आहेत आयसोलेट टी हे लहान मुलाचं सलाईन आहे हे 3000 आलेलं आहे व्हिटॅमिन के 300 त्याच्यानंतर तापाची जी टॅबलेट आहे पॅरासिटामॉलमध्ये तर तिचा शॉर्टेज होता ते पण 55000 आलेले आहेत इंजेक्शन मिथिल प्रेडनिसोलॉन 1000 आलेले आहे त्याच्यानंतर स्पायनल निडल जे मुलीसाठी जी निडल लागते ती 180 आलेली आहे इंजेक्शन व्हँकोमायसिन ह्या पण एसएनसी म्हणजे जे लहान मुलांचं आई सू त्याच्यामध्ये इंजेक्शन लागते हे 580 आलेले आहे अशा प्रकारे आपल्याकडे ही 2 टप्प्यामध्ये आमदार साहेबांच्या निधीतून आलेले आणि सरकारकडनं आपल्याला काय याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडनं गव्हर्नमेंटकडनं बऱ्याच वेळा आपल्याला वेगवेगळा निधी येत असतात आता समजा हे ट्रान्सपोर्ट व्हेंटिलेटर जे 2 आहे आपल्याकडे ऑलरेडी गव्हर्नमेंटकडनं 50 व्हेंटिलेटर आलेले आहे त्याच्यामुळे जे जे आपल्याला गव्हर्नमेंटकडनं दिल्यानंतरही थोडंफार प्रमाणात शॉर्टेज येतं ते आपल्याला मंत्रीमंडळ आपल्या आमदार साहेबांच्या निधीतनं आपल्याला ते CS मार्फतच म्हणजे सिव्हिल सर्जन साहेबांमार्फतच खरेदी करून आपल्याकडे ते दिलं जातं कोविड काळामध्ये जी ऑक्सिजनची कमतरता होती त्यावेळेस मंत्री साहेबांनी आमदार साहेबांनी तसेच शिवाजी भोसले साहेबांनी जो निधी आणला होता सगळं त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑक्सिजनच्या निर्मितीचा प्लांट इकडे उभा करणार होता आणि प्रत्येक ठिकाणावर बेडपर्यंत जाईल अशी व्यवस्था करून त्यात सगळी कारवाई झाली का आपल्याकडे आता सामान्य रुग्णालय मालेगावमध्ये हे 200 बेडचं हॉस्पिटल आहे तर 200 बेडला आपल्याला आता ऑक्सिजन पॉईंटची सोय झालेली आहे म्हणजे प्रत्येक बेडला त्याच्या जागेवर ऑक्सिजनची सुविधा झालेली आहे आपल्याकडे ऑक्सिजनसाठी जे आहे 20 KL आधीचा टँक जो मंजूर आहे तो आता कार्यान्वित झालेला आहे त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा 6 KL दुसरा ऑक्सिजन स्टोरेज टँक आहे लिक्विड ऑक्सिजनचा 6 KL पण आपल्याला उभारणार आहे त्याची फिटिंग बाकी आहे परंतु 20 KL कार्यान्वित आहे त्याच्यानंतर हवेपासून ऑक्सिजन बनवायचा जो प्लांट आहे तो आपला कार्यान्वित झालेला आहे फक्त त्याची थोडीशी तांत्रिक बाब जी आहे कारण की त्याची प्युरिटी जी 90% पाहिजे ती 86% आपल्याकडे मालेगावच्या टेम्परेचरमुळे येते त्यांचा संबंध आहे त्याच्यामुळे त्याचे शेडची थोडी हाईट वाढून ती 90% झाल्यानंतर त्याची पण फिटिंग पूर्ण झालेली आहे फक्त ती प्युरिटी 90% आल्यानंतर तो सुद्धा ऑक्सिजन आपल्याला वापरता येणार आहे त्याच्यामुळे ऑक्सिजनच्या बाबतीत सध्या कुठली अडचण आता रुग्णांसाठी नेमकं काय कमी पडतं आपल्या हॉस्पिटलमध्ये काय गोष्टी कमी पडतात त्याच्यासाठी आपण कसं पाठपुरावा करणार आहे सध्या तर आपल्याला 2 गोष्टी आपल्या सामान्य रुग्णालयासाठी महत्त्वाच्या ते म्हणजे एक तर स्त्रीरोग तज्ज्ञ आपल्याकडे सध्या अवलंबित नाही एकच आहे तर त्याची अतिरिक्तची मागणी आपण केलेली आहे आणि मध्यंतरी मान्य जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी 2 आपल्याला दिले होते गायनेकॉलॉजिस्ट पण ते पण सोडून गेले
त्याच्यामुळे परत एकदा जर नवीन कोणी मिळालं तर आपल्याला ते सर ऑर्डर द्यायला तयार आहेत, परंतु डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे ती अडचण येते. पण सध्या तर आपण महिला रुग्णालय आणि सामान्य रुग्णालय इथले जे स्त्रीरोगतज्ञ आहेत त्यांनाच दोन्हीकडे काम करायला सांगतो. सर्वात दुसरी एक मेन अडचण म्हणजे आपल्याकडे रेडिओलॉजिस्ट नाही आहे, म्हणजे सोनोग्राफी जे मशीन आहे ते आपल्याकडे आहे पण ते करायला आपल्याकडे रेडिओलॉजिस्ट नाही आहे. त्याची पण आपण मागणी केली आणि आपण प्रायव्हेटमध्ये सुद्धा जे आय एम ए आहे त्यांना सुद्धा आपण अपील केली की तुमचा एखादा प्रायव्हेट रेडिओलॉजिस्ट आम्हाला जर दिला तर ते प्रत्येक गरोदर मातेच्या सोनोग्राफीसाठी आपण त्यांना 400 रुपये देऊ केले आणि त्यापैकी तो अजून आपल्याला उपलब्ध आहे. कमी बताई है जो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और जो भी कुछ चीजें है इसके लिए आप क्या करने वाले हो, क्या पाठ पूरा करोगे, किस तरह से इसका फुलफिल करोगे? ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले जब जब किसी प्रोग्राम में आना हुआ प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ के डॉक्टर साहिबान के जरिए से जो भी इनकी जरूरत थी जो तकाजा था हम लोगों के सामने आता रहा, हमने सरकार से जो है उसकी डिमांड की है और हम लोग करते रहते हैं. वजह उसकी यह है सरकार के सामने जो अड़ी अड़चन होगी वो सरकार को मालूम, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है पोस्ट भी खाली है और पोस्ट खाली होने के साथ यहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत थी यहाँ पर डायलिसिस मशीन नहीं थी, पीछे मैंने डायलिसिस मशीन भी दी और फिर यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से अभी जैसे सोनोग्राफी मशीन है ऑपरेटर नहीं, सरकार की तरफ से वो तो मुहैया करा दिया गया है लेकिन उसके लिए वो मशीन चलाएगा कौन, रेडियोलॉजिस्ट नहीं. अगर सरकार की तरफ से वो सहूलत मिल जाती है तो जो हमारे पास सुविधा है उससे भी हम लोग अपना काम चला सकते, लेकिन कुछ कमी है. अभी जैसे बात यह है कि मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नहीं है और डिस्ट्रिक्ट होता है तो सिविल हॉस्पिटल की सारी सुविधा यहाँ होनी चाहिए. सरकार से हमने ये डिमांड की कि अगर महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है जहाँ का पॉपुलेशन जो है मालेगांव से कम है लेकिन उसको ज़िला डिक्लेयर किया गया तो मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर करना चाहिए. अगर मालेगांव ज़िला डिक्लेयर होता है तो ये माइनॉरिटी ज़िला होगा, नंदुरबार की तरह और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में हमको यहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी. लेकिन हमारे साथ कुछ अनदेखी की जा रही है, हमको ऐसा लगता है कि अगर 2.5 लाख जो है पॉपुलेशन होने की वजह से वाशिम को ज़िला डिक्लेयर किया जाता है तो हमारा मालेगांव तो 10 लाख के करीब पॉपुलेशन रखता है, उसको ज़िला डिक्लेयर करना चाहिए. आज हमारे यहाँ एडिशनल कलेक्टर हैं और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो मैडम की पोस्ट जो आती वो कलेक्टर की पोस्ट होती. सर अभी विषय हुआ कि जो ऑलरेडी सिविल हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की कमी है और मालेगांव में नए सिरे से बहुत हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, तो उस बारे में अगर इधर ही कमतरता है तो उधर अगर क्या होगा, ये आपको इस विषय बारे में आप क्या बोलेंगे? ये जो सिविल हॉस्पिटल की सुविधा है ये पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है. आपका ये कहना कि एक हॉस्पिटल होने के बावजूद नए नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, वो नए नए हॉस्पिटल हमारी ज़रूरत है तो बनाए जा रहे हैं. नहीं, डॉक्टरों की कमी इधर भी है ऑलरेडी. हाँ, कमी जो है उस कमी को सरकार को पूरा करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है और हमेशा हमने सरकार के सामने सीएस के सामने ये बात हमने रखी कि भाई हमारी जो ज़रूरत है वो आप पूरी करके दो. अभी यहाँ पर देखोगे बहुत सारी पोस्ट रिक्त है. मुफ्ती साहब कई दिनों से ये पोस्ट रिक्त है, कितने सालों से ये रिक्त है जगह और आप कई सालों से आमदार रहे, मतलब आप इसको किस तरह से देखेंगे और किस तरह से इसको फुलफिल करने में आप जनता की मदद करोगे? देखो डॉक्टर साहिबान और स्टाफ के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, हमने हमेशा सरकार के सामने अपनी बात रखी है और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर सारी सुविधा हो जाए. अभी आप देखेंगे मालेगांव तालुके में 67% से अबव लोग जो हैं वो गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास मूलभूत सुविधा भी नहीं, रोज़गार भी नहीं. ऐसे लोगों के यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज कराना उनके बस की बात नहीं, उनको यहीं सिविल हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा. लेकिन यहाँ आने के बाद अगर यहाँ पर जो है कमी है, चाहे वो स्टाफ की कमी बोलो या मशीनों की कमी बोलो, जाहिर बात है वो उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी. यहाँ जो सुविधा है इनके पास उसके तहत वो जितना काम कर सकते हैं उतना काम करते हैं, आगे की जो ज़रूरत है उसकी हमारी डिमांड है. अभी जैसे ऑक्सीजन की बात है, डॉक्टर साहिबान यहाँ मौजूद हैं, राजेश टोपे साहब का धुलिया नासिक का दौरा था,
मैंने उनसे बात किया और उनको मालेगांव, मैंने कहा कि आपको नासिक जाना है तो आपको मालेगांव होकर ही जाना है, तो आप मालेगांव थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपका मालेगांव का भी दौरा हो जाएगा। और राजेश टोपे साहब है वो आए थे और उसी वक्त तो एक घंटा सवा घंटा की मुलाकात थी यहाँ, उन्होंने विजिट की। विजिट करने के बाद जो है ये 20 KL का टैंक जो है उन्होंने उसी वक्त मंजूर किया था रात में। तब रात में कितना समय? 12:15 के बाद की बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हिसाब से यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और गायनोलॉजिस्ट नहीं है और इनकी बहुत सख्त जरूरत है सबसे पहले, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे बाकी सब चीज छोड़ के ये चीज को पहले प्राधान्य देने के लिए आप किस तरह से इसका पाठ पूरा करोगे, किस तरह से आप सरकार को बोलोगे आप भी एक हिस्सा हो, आमदार हो, जनता के आप आमदार हो, आप इस चीज को लाने के लिए सबसे पहले कैसा काम करोगे? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और एक से जायद मरतबा हमने अपनी डिमांड रखी, हमने लेटर भी दिया, हाउस में मैंने बात भी की। अभी जो है ये सब आ रहे हैं तो उनके सामने आप लोग अपनी बात रखिए, हम लोग भी बात करेंगे उनसे। सब सबसे मेन सवाल, कोरोना चले गया है तकरीबन, उसके बाद भी मालेगांव में तकरीबन 3.5 crore का RT-PCR केंद्र बनाया जा रहा है जिसका काम अभी शुरुआत हो चुका है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में क्या बनेगा? इसके खिलाफ मुस्लिम डिग्निटी ने भी आवाज़ उठाई कि इसमें भ्रष्टाचार की उसको कितनी भी लगी। क्या है कि मुस्तकीम डिग्निटी के जरिए से जो बात रखी गई है कि उसमें भ्रष्टाचार का अंदेशा है, उससे इनकार नहीं। हमारे मालेगांव कारपोरेशन का जो काम काज है वो ऐसे ही चल रहा है। आप देख लो कि 500 करोड़ के ऊपर का बजट है और यानी कारपोरेशन बने हुए आज तकरीबन 20 साल हो रहे, लेकिन 20 साल होने के बाद भी मालेगांव में लोगों के पास मूलभूत सुविधा नहीं। मूलभूत सुविधा पहले देना चाहिए, लोगों की जो ज़रूरत है वो पहले देना चाहिए, रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है और हेल्थ है, ये पहले देना चाहिए। अभी क्या है कि आज वो बोलते हैं गरीबी में आटा घीला, आज 150 करोड़ की कारपोरेशन मकरूज है और 3.5 crore का अगर ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, यही चीज़ दूसरे लोग भी समझ रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं करना चाहिए। RT-PCR जैसे ये कोरोना का पीरियड था, क्या नहीं हुआ था? क्या सबका हो जाता था? पहले ऐसा होता था, आज बन रहा है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं देखो, कल क्या होगा आज मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं बता सकते। आज कोरोना का जो जोर कम हुआ है ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारे यहाँ मालेगांव सेंट्रल जो है ये कोरोना मुक्त हुआ। कैसे हुआ? आज WHO और WHO कहो या दिगर हिंदुस्तान सरकार ये सोच रही है कि मालेगांव जो है कोरोना मुक्त कैसे हुआ, तो उन्होंने बाकायदा डॉक्टरों की टीम भेजी थी, उन्होंने आके सर्वे किया, लेकिन कल क्या होगा मालूम नहीं। हम अंदर तो मुख्य साहब, लसीकरण का परसेंटेज मालेगांव में बहुत कम है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार मानता हूँ। कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदार हैं वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सही तरीके से कर नहीं रहे। अभी मैंने मैडम के सामने बड़ी बात रखी थी हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब के सामने कि ये सिर्फ वो बात करते हैं, प्रोग्राम कुछ नहीं है इनके पास, और बात करने से कोई प्रोग्राम बनता भी नहीं है और कामयाब भी नहीं होता।